यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है। आज हम रिटर्न की एंट्री करना सीखेंगे, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न कैसे होता है। जैसे हमने गुड्स परचेज किया था या गुड्स सोल्ड किया था, अगर उसी गुड्स को हमें किसी भी रीजन से वापिस करना पड़ जाए या फिर किसी से वापिस लेना पड़ जाए जो सेल किया था उस गुड्स को, तो उससे रिलेटेड एंट्री इन एंट्रीज के बीच में करेंगे हम। तो माल बेचते कैसे है, रिटर्न कैसे आएगा, अगर उधार में बेचा तो जो पेमेंट आएगी वो किस हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री है, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट एंट्री लिखी। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंट्री रीड कर रहे हैं, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीस कितने से, 5 लाख। आपने 5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया है, तो आपने जो 5 लाख से बिजनेस शुरू किया है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट डेट डालेंगे, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट डेट डाली। तो हम एंट्री स्टार्ट करते हैं, बिजनेस शुरू किया है तो हमने यहाँ पर लिखा कि इसके यहाँ पे क्या आता है, डेट आती है, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, ये परफॉर्मा होता है हमारा जर्नल एंट्रीज का। उसके बाद यहाँ पर हमारा लेजर फोलियो अमाउंट, ये हमारी डेबिट साइड होती है, अमाउंट क्रेडिट, ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो अब हम कैसे लिखेंगे, हमने सीरियल नंबर डाला 1, अगर डेट होती तो डेट डालते। तो आप कैसे लिखोगे, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कमेंस का मतलब भी स्टार्ट करना होता है। जैसे हमने कल पिछली क्लास में देखा था बिजनेस स्टार्टेड लिखा हुआ था ना, तो अगर हमारे पास कमेंस्ड लिखा हुआ आ जाए स्टार्टेड की जगह, तब भी नया बिजनेस शुरू हो रहा है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है, 5 लाख रुपए से, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 लाख। तो 5 लाख से तो उतनी ही अमाउंट लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 के अंदर क्या आएगा, बिजनेस शुरू हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस में कैपिटल आ रही है, कैपिटल मतलब की पूंजी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, कैपिटल अकाउंट कितने से, जितना कैश आया वो हमारी पूंजी होगी, तो हमने यहाँ पे 5 लाख रुपए से पूंजी दे दी। तो हम नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, 4 बिजनेस, या जो लिखा हुआ था कमेंस्ड बिजनेस मतलब कि स्टार्ट करना विद कैश, इसका मतलब भी नया बिजनेस शुरू करना। उसके बाद आता है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय, सॉरी सेकंड एंट्री रह गई हमारी, थर्ड एंट्री थी जो अभी हम रीड कर रहे थे, तो हम सेकंड एंट्री पर आते हैं, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन, गुड्स माल परचेज्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से माल खरीदा कितने का, 50,000 रुपए का। तो हमने मोहन से क्या करा है, माल खरीदा है कितने का, 50,000 रुपए का। तो अब क्या हो रहा है, मोहन के पास माल आ रहा है, से माल आ रहा है हमारे पास, जब वो आता है तो क्या होता है, परचेज होती है, तो क्या होगी हमारी, परचेज होगी। तो हम यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे, परचेज तो कर रहे हैं लेकिन देखो किसी का नाम आ रहा है, कैश नहीं आया तो इसका मतलब उधार की एंट्री है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकंड एंट्री स्टार्ट करेंगे, परचेज, परचेज किया है हमने, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से, 50,000 रुपए से, 50,000 का, और उधार में लेकर आए हैं, किससे लेकर आए हैं, 2 मोहन से, तो मोहन को इसका मतलब क्या है, हमने पैसे देने हैं, तो मोहन को हमने पैसे देने हैं, तो कितने देने हैं, कितने का,
माल आया है तो उसको क्या कर देंगे, 50,000 रुपए से क्रेडिट कर देंगे, तो ये हमारी एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। कितने से, 50,000 रुपए से माल तो आ गया लेकिन मोहन को पैसे देने हैं इसलिए उसका नाम लिख दिया। नरेशन में क्या लिखेंगे, फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन रुपीज 50,000। 50,000 रुपए का माल खरीदा है मोहन से। उसके बाद आती है हमारे पास थर्ड एंट्री, तो हम थर्ड एंट्री स्टार्ट करेंगे। थर्ड एंट्री के अंदर देखेंगे क्या कह रहा है, गुड्स परचेज, गुड्स यहाँ पे, गुड्स यहाँ पे एंट्री रिपीट हो रही है दोबारा से अजय के नाम से है। अब गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय रुपीज 1,20,000, 1,20,000 रुपए का माल खरीदा है। इससे 1,20,000 रुपए का माल खरीदा है, अजय से खरीदा है, तो ये भी हमारी उधार की एंट्री है। तो हम थर्ड एंट्री करेंगे, परचेज्ड, परचेज कर दिया हमने, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से, 1,20,000 से। टू के अंदर क्या आ जाएगा, अजय, क्योंकि हमने अजय को पैसे नहीं दिए हैं, यहाँ पे टू अजय आ गया कितने से, 1,20,000 रुपए से। नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय। तो देखो सेम एंट्री थी बट अब देखेंगे हम ये फोर्थ एंट्री में क्या बोलता है। फोर्थ एंट्री के अंदर क्या रहा है, गुड्स रिटर्न, अभी तक हमने ये एंट्री नहीं की थी, न्यू एंट्री आई है हमारी जनरल एंट्री के अंदर, ये गुड्स रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है वापिस करना, जैसे आप कोई सामान लेकर आते हो किसी भी रीजन से अगर उसे वापस देना पड़ता है तो क्या होगा, माल वापिस कर रहे हो तो वो रिटर्न हो जाएगा। अगर जिससे खरीदा है उसको वापिस कर रहे हो तो परचेज रिटर्न होगी, अगर जिसको बेचा है सेल की है अगर वो सामने वाला वापिस कर रहा है तो सेल रिटर्न होगी। बट अभी हमारे पास परचेज रिटर्न की एंट्री है क्योंकि हमने ऊपर वाली एंट्री में अजय से माल खरीदा था। गुड्स रिटर्न टू अजय, गुड्स रिटर्न टू अजय, अजय को माल वापिस किया है हमने, तो देखेंगे कितने का, 5,000 रुपए का। तो अब माल वापिस चला गया तो मतलब क्या हो गया, पहले परचेज डेबिट की थी हमने, अब अजय को वापस जा रहा है तो क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न हो जाएगा। तो हम एंट्री के अंदर क्या करेंगे, 5,000 रुपए से एंट्री है हमारी, तो हम फोर्थ एंट्री करेंगे। यहाँ पर अजय के पास जा रहा है माल वापिस तो हम यहाँ पर अजय को ही डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे, अजय को डेबिट करेंगे, कितने से जितने का भी उसको हम माल वापिस करेंगे, 5,000 रुपए का। कितने का, 5,000 रुपए का माल वापिस किया है तो 5,000 से ही डेबिट करेंगे। अब हम खाली परचेज नहीं लिख सकते क्योंकि माल वापिस जा रहा है तो हम इसके साथ में क्या लगाएंगे, टू। वैसे तो हमारी परचेज हमेशा डेबिट होती है लेकिन माल जा रहा है आ नहीं रहा तो टू परचेज रिटर्न, इसको हमने क्या नाम दिया, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने से कह रहा है, 5,000 रुपए का माल वापिस कर दिया तो हमने यहाँ पे एंट्री कितने से कर दी, 5,000 रुपए से। तो अब हम क्या एंट्री करें, नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फोर, क्या एंट्री थी, रिटर्न की एंट्री थी हमारी, तो हम भी यही लिखेंगे, फोर गुड्स रिटर्न टू अजय, अजय को माल वापिस कर दिया। देखो परचेज हमेशा डेबिट होती है क्योंकि हमारे पास माल आ रहा होता है,
जब वही माल हमें किसी भी रीजन से वापिस करना पड़ता है तो वो परचेज रिटर्न हो जाती है। जब माल आता है तो डेबिट होता है, जब उसी गुड्स को वापस भेजेंगे तो वो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर अजय को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि अजय से जो हमने पैसे देने थे अजय को, अब उसमें से वो 5,000 रुपए माइनस कर देगा। इसलिए अब जो हम अगर कोई चीज वापस ले आते हैं तो उसमें से उस पैसों को माइनस करते हैं, वही इसके अंदर होगा। अब हमने 1,20,000 रुपए थे हमारे, अब उसमें से हमें 5,000 रुपए कम देने हैं। तो ऊपर वाली एंट्री में देखते हैं क्या कहता है ये। तो ऊपर की एंट्री में गए हम, तो ऊपर की एंट्री में कह रहा है कैश, फिफ्थ डेट की एंट्री, कैश पेड मतलब कि टू अजय ₹1,50,000, मतलब कि इसने हिसाब चुकता कर दिया है। देखो 1,20,000 रुपए का माल खरीदा था हमने उसे, हमने उसका हिसाब चुकता कैसे दिया, और 5,000 का हमने उसको माल वापिस कर दिया। तो अब हमने उसको कितने पैसे देने थे, 1,15,000 रुपए। तो वो हम उसे दे भी 1,15,000 रुपए ही रहे हैं। तो अब पेमेंट किसके पास जा रही है, अजय के पास, और हमारे पास से क्या कम हो रहा है, कैश, जो चीज कम। तो दोनों में ही देखो रियल अकाउंट का रूल है। देखो पहले में पर्सनल का है अजय हो गया, अजय नाम आ गया तो पर्सनल अकाउंट हो गया, और जहाँ पे कैश आ जाता है वो रियल। अब रूल क्या लगा, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर मतलब कि प्राप्त करने वाला, तो प्राप्त करने वाला कौन है, अजय। तो हमने यहाँ पे फिफ्थ डेट की एंट्री करी, पैसे किसके पास जा रहे हैं, अजय के पास। तो हमने यहाँ पे अजय को डेबिट कर दिया कितने से, 1,15,000 रुपए से। टू के अंदर क्या आएगा, अजय अकाउंट, अजय के साथ अकाउंट नहीं लगाना था, अजय अकाउंट डेबिट हो गया हमारा 1,15,000 रुपए से। और टू के अंदर क्या आ जाएगा हमारा, हमने उसको कैश दिया है, तो क्या आया है, हमने उसको क्या दिया है, कैश दिया है अजय को। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट कितने से, 1,15,000 रुपए से, क्योंकि हमारे पास से 1,15,000 रुपए कम हो चुके हैं। तो नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फोर कैश पेड टू अजय, कैश पेड टू अजय, कितने पेमेंट की, 1,15,000 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 1,15,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास सिक्स डेट की एंट्री, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश, हमने माल खरीदा है अनिल से कितने का, 40,000 रुपए का, बट साथ में क्या कह रहा है, कैश, मतलब कि क्या, कौन सी एंट्री होगी हमारी, कैश की एंट्री होगी कि हमने साथ में पैसे भी उसको दे दिए हैं। तो हम यहाँ पर डेट डालेंगे, सिक्स डेट की एंट्री है हमारी। तो अब हमने परचेज तो किया है बट उधार में नहीं किया, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से, 6,000 रुपए से। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू अनिल, ओनली अनिल आएगा क्योंकि नाम है, अकाउंट नहीं लगाएंगे हम इसके साथ। तो हमने देखते हैं कितने का माल खरीदा था इससे, 40,000 रुपए का, कितने का माल खरीदा था, 40,000 रुपए का। तो हमने यहाँ पे 40,000 रुपए का माल खरीदा, परचेज 40,000 से इसको क्रेडिट कर दिया। तो नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे हम, फोर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनिल फॉर कैश, कैश में खरीदा है हमने, ठीक है। तो हमारी सिक्स डेट की एंट्री हो गई है। उसके बाद आते हैं हम सेवंथ डेट की एंट्री पर, क्या कह रहा है, गुड्स माल सोल्ड टू अतुल कितने का, 75,000 रुपीज का। गुड्स माल, सोल्ड का मतलब होता है बेचना, जिसे हम कहते हैं सेल, तो
सेम फर्स्ट फॉर्म होती है, जब क्वेश्चन लिखते हैं तो थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम। तू अतुल, अतुल को माल बेचा है कितने का, 75,000 रुपए का। देखो कैश भी नहीं आ रहा तो हम क्या मान के चलेंगे इसको, उधार की एंट्री है, क्योंकि नाम नाम आया है, जहाँ नाम होता है वो उधार की एंट्री होती है, अगर साथ में कैश नहीं आता तो हम क्या एंट्री करेंगे इसमें, 75,000 रुपए की एंट्री है हमारी 7 तारीख की, और नाम क्या था, अतुल, अतुल नाम था हमारा, तो हम यहाँ पर एंट्री में भी अतुल ही लिखेंगे। हमने सेल की है किसको, अतुल को, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतुल को हम डेबिट कर देंगे कितने से, 75,000 रुपए से, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सेल अकाउंट, क्योंकि माल चला गया है हमारे पास से कितने का, 75,000 का, हमने सेल कर दिया कितने का, 75,000 रुपए का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सेल अकाउंट 75,000 रुपए। तो हमने यहाँ पे माल चला गया, नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फोर गुड्स सोल्ड अतुल रुपीस कितने का, 75,000 रुपीस का, ठीक है। तो हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे, माल तो बिक गया हमारा, रिटर्न गुड्स फ्रॉम अतुल रुपीस 3,000। रिटर्न का मतलब होता है वापिस करना, गुड्स माल फ्रॉम अतुल, अतुल को माल वापिस किया है किसी भी रीजन से, वापिस सेल किया था हमने तो, मतलब कि अतुल ने हमें वापिस कर दिया, मतलब कि माल हमारे पास आ रहा है, तो सेल क्रेडिट होती है, तो अब यहाँ पर सेल रिटर्न हो रही है तो वो डेबिट हो जाएगी। तो देखो हमने अतुल को उधार में माल बेचा था तो हम वहां पर कैश नहीं लिखेंगे, अतुल को ही डेबिट किया था तो अब अतुल को क्रेडिट कर देंगे हम। तो यहाँ पर 8 अप्रैल की एंट्री में क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेल रिटर्न, क्योंकि माल वापिस आ गया बिका हुआ तो सेल रिटर्न हो गई। देखते हैं कितने का आया है, 3,000 रुपए का। टू, टू में क्या आ जाएगा, अतुल को माल बेचा था तो अतुल वापिस कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, अतुल, टू अतुल कितने से, 3,000 रुपए का वापिस किया है, तो 3,000 से ही क्रेडिट करेंगे, 3,000 से। नरेशन में क्या आ जाएगा, फोर क्या किया था, रिटर्न गुड्स गुड्स रिटर्न, ठीक है। ये हमारी 8th date की एंट्री थी। उसके बाद आते हैं हम 9th date की एंट्री पर, कैश रिसीव्ड, रिसीव का मतलब प्राप्त करना, फ्रॉम अतुल कितने, 72,000 रुपए कैश रिसीव्ड हुआ है हमें, कितने से प्राप्त हुआ हमें, अतुल को 72,000 रुपए से। तो हम एंट्री क्या करेंगे इसके अंदर, पैसे रिसीव हो रही हैं तो हमारे पास पैसे आ रही हैं, तो देखते हैं कितने पैसे आ रही हैं, कैश क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो हमारे पास कैश आ रहा है तो हम कैश को डेबिट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर कैश को डेबिट कर दिया कितने से, 72,000 रुपए से। तो हमने यहाँ पे डेट के बाद एंट्री करेंगे, 9th date की एंट्री डाली, कैश आ रहा है, कैश क्यों दे रहा है वो हमें, क्योंकि हमने उसको माल बेचा था। देखो कितने का माल बेचा था, देखते हैं हम कितने पैसे दे रहा है वो, हमने उसको 75,000 रुपए का माल बेचा था
और उसने उसमें से 3,000 का माल वापिस कर दिया, इसका मतलब कि 75,000 में से 3,000 रुपए गए 72,000 रुपए। तो अब वो क्या कर रहा है, 72,000 रुपए का माल हमें वापिस, हमने 3,000 का वापिस कर 72,000 रुपए हमें दे रहा है, इसका मतलब कि हिसाब चुकता करके जा रहा है। 72,000 रुपए ही बनते थे तो उसने हमारे 72,000 रुपए हमें वापस कर दिए। तो अब हमारे कैश जो हमने उधार में माल भेजा था उसके 72,000 रुपए वापस आ गए, तो हमारे 72,000 रुपए डेबिट हो गए। टू देने वाला कौन है, टू अतुल। टू अतुल कितने देगा, 72,000 रुपए ही देके जाएगा। नरेशन में क्या लिखेंगे, फोर कैश रिसीव्ड फ्रॉम अतुल, ठीक है, कैश रिसीव्ड हुआ है अतुल से कितने का, ₹72,000 का, ठीक है। उसके बाद हम 10 तारीख की एंट्री करेंगे, क्या कहता है देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू चारू ₹1,00,000, सोल्ड का मतलब होता है बेचना, गुड्स माल टू चारू, चारू को क्या करा है, माल बेचा है, कैश नहीं आया, 1,00,000 रुपए का माल बेचा है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, 1,00,000 रुपए से हम एंट्री करेंगे चारू की उधार माल। तो हम एंट्री के अंदर देखेंगे, यहाँ पर हमने माल बेचा है किसको, चारू को, तो हमने यहाँ पर चारू को डेबिट कर दिया कितने से, 1,00,000 रुपए से, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सेल अकाउंट कितने से, 1,00,000 रुपए से, ठीक है। नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फोर क्या किया था, गुड्स सोल्ड किया था हमने किसको, चारू को, यही है 1,00,000 रुपए से किया था, तो 1,00,000 ही लिखे हैं, गुड्स सोल्ड चारू। देखो जब एंट्री के अंदर कैश आ जाता है तो वो एंट्री हमारी कैश की होती है, जब नाम के साथ भी कैश आ जाए तो भी कैश की होगी, जब कैश ना आए और बैंक आ जाए तो बैंक की होगी, और जब दोनों ही चीजें ना आए तो इसका मतलब कि उधार की एंट्री है, चाहे वो परचेज की एंट्री हो चाहे वो सेल की एंट्री हो, दोनों ही किसकी रहेगी, उधार की। और अगर आपने उधार में माल बेचा है तो अगर रिटर्न आ रही है तो उधार में ही रहेगी वो एंट्री, क्योंकि हमने उसे कैश नहीं दिया था तो कैश से रिलेटेड एंट्री नहीं करेंगे। और अगर आपने किसी को सपोज करो 1,00,000 रुपए का माल बेचा और नकद में बेचा है और वो माल किसी भी रीजन से हमें वापस कर रहा है, तब हम उसमें सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि वो पैसे दे के गया था तो अगर वो पैसे मांगेगा तो हमें उसके पैसे देने पड़ेंगे, तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिटर्न की एंट्री में भी कैश लिखेंगे। ऐसे ही सेम प्रोसीजर हमारा परचेज की एंट्री में भी रहेगा, अगर आपने गुड्स परचेज कैश में किया है तो रिटर्न भी कैश में ही होगा, तब हमें चाहे किसी का नाम भी दिया हुआ हो तो हम नरेशन में ही शो करेंगे, उसके अंदर शो नहीं करेंगे। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था।